चलिए 2.4 देखते हैं हम। 2.4 प्रैक्टिस सेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड का जो चैप्टर 2 है उसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। 1, 2.1, 2.2, 2.3 अपलोड हो चुकी है। जिसने नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप उसको क्लिक करके वो पिछले पार्ट्स देख सकते हो। ये वीडियो 2.4 पर है। 2.4 में हम देखेंगे ये 1 एंड ये 2 क्वेश्चन, यहाँ पर पूरे क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ओके, तो जो बच्चे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू जनरल फॉर्म एंड राइट द वैल्यू ऑफ ए बी सी। सो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 लिखता हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म जो रहता है वो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको हम कहते हैं, वो यहाँ लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। अब इसमें जो है ये a जो है ये नॉन जीरो होता है, इतना याद रखना, a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू नेगेटिव नंबर्स। a कभी भी नेगेटिव नहीं रहेगा, दैट मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म में, ओनली स्टैंडर्ड फॉर्म में a नेगेटिव नहीं रहेगा, a जीरो के इक्वल नहीं रहेगा। अब देखिए यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है, जो मैंने बेसिक में आपको पढ़ाया था पार्ट नंबर 1 में, आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 है। सो हम यहाँ पर इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो लिखेंगे कंपेयरिंग बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इससे हम इसको कंपेयर करेंगे और ए बी सी की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट यहाँ पर कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, तो हम यहाँ पर लेंगे a इज इक्वल टू 1। सिमिलरली x का जो कोफिशियंट है 7 है, तो यहाँ पर लिखेंगे b इज इक्वल टू माइनस 7 एंड c जो कांस्टेंट टर्म है हमारे पास प्लस 5, तो प्लस 5। ओके, नाउ a b c की वैल्यू हमारी यहाँ पर फाइंड आउट हो गई। सेकेंड इक्वेशन क्या है देखते हैं उसको सॉल्व करते हैं। 2m स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5, 2m स्क्वायर प्लस 5m, क्वेश्चन देख लेता हूँ, इज इक्वल टू 5m माइनस 5, इज इक्वल टू 5m माइनस 5। अब ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो स्क्वायर वाला पहले रहेगा, तो वो ऑलरेडी पहले है a 2m स्क्वायर, उसके बाद जिसके साथ वेरिएबल है, इसके साथ वेरिएबल है उसको लेंगे, तो ये प्लस 5m इक्वल टू के इधर है, इसको इधर लाएंगे इक्वल टू के, तो माइनस इसकी साइन चेंज हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा माइनस 5m और ये माइनस 5 कॉन्स्टेंट टर्म इधर आएगा, तो प्लस 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम कंपेयरिंग इक्वेशन बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर वेरिएबल चेंज हो गया, एम आ गया, तो नो इश्यू, हम इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन नहीं लेने का, एम स्क्वायर कोई भी यहाँ पर अल्फाबेट आ सकता है, तो एम स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो ए होता है, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू 2। सो एम का जो कोएफिशिएंट होता है वो बी होता है, तो बी इज इक्वल टू माइनस 5 एंड देन कॉन्स्टेंट टर्म लास्ट में जो है वो 5 है, तो ए बी सी की वैल्यू हमारी इजिली फाइंड आउट हो गई। नंबर 3 क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7y, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7y। अब यहाँ पर एक टर्म गायब है, जो कांस्टेंट टर्म है ये वो यहाँ से नहीं है, राइट। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे वाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस 7y इधर आएगा। अब कांस्टेंट टर्म पूरी इक्वेशन में नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस 0, जो नहीं है उसको उसकी जगह पर हम उसकी प्लेस पे प्लस लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप कॉन्स्टेंट टर्म नहीं थी उसको जीरो लिख दीजिए, फिर इसको कंपेयर करेंगे सिमिलरली, कंपेयरिंग इक्वेशन बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करने के बाद बहुत इजी है, ए इज इक्वल टू आप 1 लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू माइनस 7 लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, y का कोफिशियंट एंड कॉन्स्टेंट टर्म।
सो ये सिंपल क्वेश्चन थे, एक मार्क्स के ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं जिसमें आपको ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी आती है। सेकंड जो हमारे पास है, सेकंड क्वेश्चन, सॉल्व यूजिंग फार्मूला। अब फार्मूला कौन सा है, तो वो फार्मूला मैं उसको यूज करके हमको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो चलिए फार्मूला देखते हैं हम। हमारे पास ये पहली इक्वेशन है उस क्वेश्चन की, इक्वेशन नंबर, इसको बिठा देता हूँ मैं, हमारे पास जो इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं, नंबर वन इक्वेशन 2.4, क्वेश्चन नंबर टू का वन इक्वेशन कौन सी है, तो वो इक्वेशन हम यहाँ लिख लेंगे और उसको फिर फार्मूले से हम सॉल्व करेंगे। तो वो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। अब फार्मूला क्या है, तो मैं यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ये फार्मूला आप अच्छी से याद रखिए, इसी फार्मूले का हमको जो है यूज़ करके इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये फार्मूला हमको यूज़ करना है, राइट। चलिए इस फार्मूले का यूज़ करते हैं हम और एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो मेथड है उसको देख लेंगे, जो इक्वेशन है उसको लिख लीजिए, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव इक्वल टू ज़ीरो। अब ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है, तो डायरेक्ट इसको कंपेयर करेंगे हम, जो अभी तक करते आ रहे हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इससे कंपेयर करेंगे और ए बी सी की वैल्यू लिखेंगे। ए इज इक्वल टू, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट वन हो जाएगा, बी इज इक्वल टू एक्स का कोफिशियंट सिक्स है एंड सी दैट मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म फाइव है। ये होने के बाद आप डायरेक्ट आप यहाँ पर क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे और इक्वेशन को सॉल्व करें, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ये फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फार्मूला है। इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस एज इट इज रहेगा, बी की प्लेस पे आप सिक्स लिखेंगे जो उसकी वैल्यू है, प्लस माइनस अंडर रूट जो वैल्यू हमारे पास आई है बी स्क्वायर, तो बी का हम सिक्स स्क्वायर लिख लेंगे, माइनस फोर एज इट इज रहेगा मल्टीप्लाई बाय ए यानी वन एंड सी दैट मीन्स फाइव अपॉन टू ए एज इट इज रहेगा, टू इंटू ए की प्लेस पे आप वन रख दीजिए, ओके ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सिक्स प्लस माइनस, पहले अंडर रूट जो है उसको सॉल्व कर लेंगे, जो वैल्यू है सिक्स का स्क्वायर 36 माइनस फोर वन ज़ा फोर फोर फाइव ज़ा 20 दैट मीन्स 20 अपॉन टू वन ज़ा टू, राइट। अब 36 माइनस 20 आप कर देंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सिक्स प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर आपको मिलेगा 36 माइनस 20 दैट मीन्स 16 यहाँ पर मिल गया हमको अपॉन टू एज इट इज रहेगा। अब 16 का स्क्वायर रूट है उसको हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा अपॉन टू एज इट इज रहेगा, ओके। अब देखिए इसको आप सेपरेट कर लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा एक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स, ये दो साइन है प्लस माइनस की, एक बार हम प्लस के साथ इसको राइट लिखेंगे अपॉन टू और एक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स माइनस फोर अपॉन टू। सेपरेट करने के बाद इसको सॉल्व कर लीजिए तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, सिक्स में से फोर आप माइनस करेंगे तो आपको माइनस टू मिलेगा क्योंकि बिगर की साइन लगाना है और बिगर सिक्स है, और यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन साइन बिगर की लगेंगे और सिक्स बिगर है इसलिए माइनस टेन, सिक्स फोर टेन हो जाता अपॉन टू। आप इसको डिवाइड कर दीजिए, आपके पास दो क्वेश्चन के आंसर आ जाए, एक दो आंसर आ जाएंगे, टू वन ज़ा टू दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू माइनस वन और एक्स इज इक्वल टू टू फाइव ज़ा टेन दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव। सो हमारा आंसर आएगा माइनस वन कॉमा माइनस फाइव, इट इज़ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फार्मूले से सॉल्व करने के लिए बोला था,
सिंपल फार्मूला अप्लाई करने का, जो फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का है, और उसको आप इजीली आप इस तरह सॉल्व कर सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, थोड़ा थोड़ा करके वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये हमने सॉल्व किया। सेकंड क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास नंबर टू, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। फार्मूला लिख लेता हूँ मैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का फार्मूला है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले वही मेथड आपको याद रखना है कि आप इसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, पहले यहाँ लिख लेता हूँ कंपेयरिंग बाय स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से कंपेयर करने के बाद आपको मिलेगा ए इज इक्वल टू, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट वन, सो बी इज इक्वल टू आपको मिलेगा माइनस थ्री। साइन के साथ लिखना है हमको, थ्री की माइनस साइन माइनस है, माइनस के साथ लिखेंगे। कॉन्स्टेंट टर्म माइनस टू है तो उसकी साइन के साथ हम यहाँ पर टू लिखेंगे। ओके, ये हो गया हमारा ए बी सी। अब फार्मूला लिखेंगे हम और इसको सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला है हमारे पास एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। सो अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू रखेंगे माइनस थ्री, तो इसको ब्रैकेट में रखिए क्योंकि ये माइनस है, प्लस माइनस एज इट इज रूट के अंदर जो है उसकी वैल्यू रख देंगे। तो बी की वैल्यू है हमारे पास माइनस थ्री, इसलिए ब्रैकेट में रखेंगे माइनस थ्री स्क्वायर माइनस फोर एंड ए जो है वन है एंड सी माइनस टू है, राइट। सारी वैल्यू रखने के बाद अपॉन टू ए जो है ए की भी वैल्यू रख देंगे टू इंटू वन। ओके, ये वैल्यू रख दिया मैंने। अब इसको सॉल्व करेंगे हम सिंपली, जैसे हमने पिछली इक्वेशन सॉल्व किया था, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो ये थ्री हो जाएगा, प्लस माइनस एज इट इज रहेगा। पहले हम जो रूट में जो नंबर्स है उनको सॉल्व करेंगे, तो निगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो माइनस थ्री का स्क्वायर पॉजिटिव नाइन हो जाएगा माइनस, और ये माइनस और ये माइनस, फोर वन ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, तो ये एट प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, राइट। तो ये हो गया हमारे पास अपॉन में टू ए, आप ऐसे टू वन ज़ा टू ऐसे रहेगा। ओके, एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू थ्री प्लस माइनस, दोनों की प्लस कर दीजिए सेवनटीन मिलेगा अपॉन टू। और स्टूडेंट देखो, अब सेवनटीन का इस रूट कोई नंबर नहीं है, कोई आपको जो है इंटीजर्स नहीं मिलेंगे इसके 17 के यहाँ पर, अगर रूट भी निकालते हैं तो पॉइंट्स में आंसर आएगा, इसलिए ये ब्रेक भी नहीं होता, किसी के टेबल में भी नहीं आएगा क्योंकि प्राइम नंबर है, तो ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होता है, इसलिए हम इसको एज इट इज रखेंगे। बस इसको दो साइन जो है प्लस माइनस की इसको सेपरेट कर दीजिए, तो हमारे पास मिलेगा एक्स इज इक्वल टू थ्री प्लस अंडर रूट 17 अपॉन टू, और एक्स इज इक्वल टू थ्री माइनस अंडर रूट 17 अपॉन टू। तो हमारे पास जो आंसर मिला उसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे थ्री प्लस रूट 17 अपॉन टू एंड थ्री माइनस रूट 17 अपॉन टू। तो ये हमारे फैक्टर हो गए जो हमको उसने इक्वेशन दिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। सिमिलरली आप जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन किया, सेकेंड भी यही फार्मूला यूज किया, थर्ड भी आप फार्मूला यूज कर सकते हैं, फोर्थ इक्वेशन के लिए आप फार्मूला यूज कर सकते हैं, फिफ्थ इक्वेशन मैं बताता हूँ थोड़ी सी ये है, ठीक है, बाकी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, बहुत सिंपल होती है इक्वेशन। तो फिफ्थ इक्वेशन हम यहाँ लिखा है, देखिए ये फिफ्थ इक्वेशन है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ जो डिनोमीटर में थ्री है, ये जो थ्री है डिनोमीटर में, इस थ्री को हम यहाँ से हटाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमको तकलीफ देने वाला है। तो इसको हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हम डिनोमिनेटर से हटाते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और कोई ऊपर से हटाना है न्यूमिरेटर से तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर मैं थ्री से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये थ्री थ्री यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो लिखेंगे हम सबसे पहले, इसको मैं लिख लेता हूँ
y square plus 1 upon 3 y माइनस टू इक्वल टू जीरो। ये टू को मैंने इस तरफ लेकर आया इक्वल टू के, तो उधर प्लस था इधर आया तो माइनस हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम थ्री से, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय थ्री, तो होल इक्वेशन को हम थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए एक एक टर्म को मैं मल्टीप्लाई करके बता रहा हूँ, थ्री इंटू वाई स्क्वायर प्लस थ्री इंटू वन अपॉन थ्री वाई, इसको भी y थ्री से मल्टीप्लाई किया, देन माइनस टू इसको भी थ्री से मल्टीप्लाई करूंगा इक्वल टू जीरो, राइट। अब ये थ्री और ये थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो मिलेगा थ्री वाई स्क्वायर प्लस वाई वन जा वाई, इसकी मल्टीप्लाई होगी और माइनस थ्री टू जा सिक्स इक्वल टू जीरो। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अब इसको हमको कंपेयर करना है और इसको सॉल्व करना है, तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग कंपेयरिंग इक्वेशन बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, और फिर हम यहाँ से जो है ए बी सी की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए इसको हम कंपेयर करने के बाद ए की वैल्यू लिखते हैं, ए इज इक्वल टू दैट मीन्स वाई स्क्वायर का कोफिशियंट थ्री, अभी तक हम करते आ रहे हैं बी इज इक्वल टू, अब यहाँ वाई का कोफिशियंट कुछ नहीं है दैट मीन्स वन है, एंड सी कॉन्स्टेंट टर्म माइनस सिक्स है। अब फार्मूला लिखेंगे, जो फार्मूला हमारे पास है उस फार्मूले को लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल y है तो हम फार्मूले को चेंज कर सकते हैं, y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। अभी तक हमने यही फार्मूला यूज़ किया और यही फार्मूला यूज़ करके हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, ओके। तो चलिए इस फार्मूले को यूज़ करते हैं हम और वैल्यू पुट करते हैं, वाई इज इक्वल टू माइनस और बी की वैल्यू है वन एज इट इज रखिए, प्लस माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू है वन एज इट इज रखिए स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू है थ्री एंड सी की वैल्यू है माइनस सिक्स अपॉन टू ए आप एज इट इज रखिए, ओके। चलिए y इज इक्वल टू माइनस वन आपका ऐसी रहेगा, प्लस माइनस पहले आप रूट को सॉल्व करेंगे, तो रूट को सॉल्व करेंगे तो वन का स्क्वायर वन ही होता है, माइनस फोर थ्री जा ट्वेल्व एंड ट्वेल्व सिक्स जा, है ना, ये सबकी मल्टीप्लाई करना है हमको, पहले ये माइनस और ये माइनस जो हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा सेवेंटी टू, ट्वेल्व सिक्स जा सेवेंटी टू अपॉन टू ए की वैल्यू रख देता हूँ मैं यहाँ पर, ए की वैल्यू मैंने रखा नहीं है, तो यहाँ थ्री तो आपको मिल जाएगा सिक्स, राइट। चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे, आप तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा वाई इज इक्वल टू माइनस वन एज इट इज रहेगा प्लस माइनस एट इज रहेगा और ये हो जाएगा सेवेंटी थ्री, क्योंकि सेवेंटी टू प्लस वन सेवेंटी थ्री होता है अपॉन सिक्स एज इट इज रहेगा। अब ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होता कि सेवेंटी थ्री के कोई रूट हमको इंटीजर्स नहीं मिलेंगे, 73 किसी के टेबल में भी नहीं आता है क्योंकि ये प्राइम नंबर है। सो अब ये आगे सिंप्लीफाई नहीं होता है तो इसको छोड़ दीजिए, सेपरेट कर देंगे हम, माइनस वन प्लस रूट सेवेंटी थ्री अपॉन सिक्स, ये एक आंसर आएगा और वाई इज इक्वल टू माइनस वन माइनस रूट सेवेंटी थ्री अपॉन सिक्स, ये सेकंड आंसर आएगा। तो दो आंसर हमारे पास यहाँ पर हासिल हो गए स्टूडेंट। तो सिंपली है एकदम, आप इजी इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको सिर्फ ए बी सी की वैल्यू निकालना है और फार्मूले में पुट करना है और फार्मूले से आप इजी उसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो ये इक्वेशन जो क्वेश्चन नंबर फाइव था हमारा इसमें 2.4 में, बाकी जो क्वेश्चन है आप इजी उसको सॉल्व कर सकते हो, मैंने आपको मेथड बता दिया है, तो बाकी आप होमवर्क कर लीजिए। तो ये आपका यहाँ पर 2.4 कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और सेकंड जो है दूसरे बच्चों में इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।